चलिए बात करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। बता दें कि जहां प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आगर और जौरा सीट पर यह उपचुनाव होना है और इन दोनों सीटों के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा उपचुनाव होने हैं इन दोनों सीटों पर और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। बता दें कि जौरा में और आगर में ये चुनाव होना है। प्रदेश में विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें आगर मालवा जिले की आगर और मुरैना जिले की जौरा सीट शामिल है। जौरा सीट पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो आगर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत मोर्चा संभाल सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति बनाने के लिए 10 फरवरी को बैठक बुलाई है और इस बैठक में ही इस पूरे उपचुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। प्रदेश में बता दें विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। बता दें कि आगर मालवा जिले की आगर और मुरैना जिले की जौरा सीट इसमें शामिल है जहां उपचुनाव होने हैं। और दोनों ही पार्टियों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई है रणनीति बनाने के लिए। 10 फरवरी को ये बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी और किस तरीके से ये पूरी बैठक करनी है और किस तरीके से तैयारियां करनी है इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरुण जी, जानना चाहेंगे कि प्रदेश में दो सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और दोनों ही पार्टियां जो है इसके लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है, क्या कुछ अपडेट्स? जी देखिए, दोनों उपचुनाव बहुत जरूरी है बीजेपी के लिहाज से भी और कांग्रेस के लिहाज से भी। कांग्रेस यदि इन दो सीट पर जीतती है तो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी उसकी 114 सीटें हैं अभी, तो 116 सीट हो जाएंगी। और यदि बीजेपी ये सीट जीतती है तो उसकी 107 सीट तक उसकी संख्या पहुंच चुकी है, जबकि वो विधानसभा चुनाव जीती थी तब 109 सीटें उसके पास थी, तो दो सीट कम हो गई है उसकी। तो इस तरह से 107 सीटें उसके पास बची हुई है, तो 109 सीट हो जाएंगी। तो ये दोनों ही सीटें, एक तो जौरा है जो कि ग्वालियर चंबल इलाके में आती है, एक आगर मालवा है आगर जिले की, तो वो आगर जिले में ही आती है, मालवा बेल्ट माना जाता है वो। तो इन दोनों सीटों के लिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के पॉकेट की सीट जौरा मानी जाती है, वहीं बीजेपी के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री है उनके इलाके की सीट मानी जाती है, और वहां पर जो सिटिंग एमएलए थे वो कांग्रेस के थे, और आगर में जो थे वो जिनका भी निधन हुआ है वो बीजेपी की सीट की आगर नहीं, यानी एक सीट बीजेपी की खाली हुई है, एक सीट कांग्रेस की खाली हुई है, तो दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि अभी उपचुनाव का कोई ऐलान ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराने होते हैं और इसलिए आने वाले समय 3 से 4 महीने में ये उपचुनाव होने हैं दोनों विधानसभा सीटों के लिए। तो इसको लेके दोनों पार्टियां अब अपनी रणनीति बनाने लगी हैं कि मनोहर ऊंटवाल के पुत्र को भी आगर से टिकट दिया जा सकता है, जौरा में भी जो कांग्रेस एमएलए की मृत्यु हुई है उनके परिवार से किसी को टिकट मिल सकता है। तो इस तरह से दोनों पार्टियां चाहती हैं कि उनकी जो सीट हैं वो कम से कम उनके पास रहे, और जो एक सीट ज्यादा है बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस की सीट उसके पाले में आए, और कांग्रेस की ये कोशिश है कि जो बीजेपी के खाते की सीट है अगर वो भी उसके कब्जे में आ जाए ताकि वो बहुमत का आंकड़ा मध्य प्रदेश में हासिल कर ले। जी चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत अरुण जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि विधानसभा उपचुनाव दो सीटों पर होने हैं, इसके लिए तैयारियां दोनों पार्टी ने शुरू कर दी है। हालांकि इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, 6 महीने के अंतर्गत ये चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने होते हैं, और इसी के लिए अब रूपरेखा बनानी जो है वो पार्टियों की ओर से शुरू हो गई है।